कल हमने पढ़ा ना कॉन्वेक्स लॉ, आज हम इस पे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं, पहले मैं थोड़ी आसान वाली दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ी कॉम्प्लेक्स वाली दिखाता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये होता है, इसकी मुझे क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज निकालनी है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मगर वो कैसे हम निकालेंगे, हमें पता है ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैसे निकलेगी, वो निकलेगी ना एसिटिक एसिड के आयन से, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ स्टेट आयन प्लस एच पॉजिटिव आयन निकलेगा ना, क्योंकि हमें पता है ना जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। वो किस कैसे निकलेगी, वो होगी सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ स्टेट आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, है ना। इन्हीं तो जब हमें ये वैल्यू भी पता होगा, ये वैल्यू भी पता होगा, तो हमें आसानी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकलेगी ना यहाँ से। अब तो मगर मुझे क्वेश्चन में, हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर तो न स्टेट आयन की दी गई है, न एच पॉजिटिव आयन की दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पर हमें दी गई है किसकी, सोडियम स्टेट की दी गई है, HCl की दी है और NaCl की दी गई है। इसका मतलब हमें एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है इन्हीं वैल्यू से, आई बात समझ में। और इसने यहाँ पर दिया है वैल्यू, सोडियम एसिड की कंडक्टिविटी भी दी है, कितनी दी है यहाँ पर दिया है इसने 91.6, और HCl की भी दी है 425, और NaCl की दी है कितनी 128.1, ठीक है ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट माइनस वन, ठीक है ना, ये इसमें यूनिट जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सुनो इधर। हमें दिया है सोडियम एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी 91.6 दिया है, HCl की दी है 425, और दी है किसकी, सोडियम क्लोराइड की 128। इसका मतलब इन्हीं वैल्यू से मुझे निकालनी है एसिटिक एसिड की, ठीक है ना। ये तो हमें पता है, जब हमारे पास H पॉजिटिव का भी होगा, इसका भी होगा, तभी हम इसका ऐड करके इसका निकाल लेंगे। हमें देखना है ये H पॉजिटिव और एसिटेट आयन, H पॉजिटिव और एसिटेट आयन किन सॉल्ट से बनेगा। अब देखो, अगर मैं इस सॉल्ट को तोड़ूंगा, यहाँ पर मेरा एसिटेट आयन बनेगा ना, यहाँ पर इसका मतलब है कि एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी मुझे इसी सॉल्ट से मिलेगी। अब कैसे मिलेगी वो तो मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। H पॉजिटिव कहां पर मिलेगा, जब ये HCl टूटेगा तो H पॉजिटिव की कंडक्टिविटी मुझे इसी से मिलेगी, ठीक है ना। अब इसे कैसे निकालेंगे एसिड आयन की कंडक्टिविटी, जरा देखो, सोडियम एसिटेट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी वो होगी ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम पॉजिटिव की और एसिड आयन की इनफिनाइट डाइल्यूशन होगी ना। और हमें पता है जो इस सोडियम एसिड की कंडक्टिविटी कितनी है, वो है 91.6, यानी कि इसकी वजह से और इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो है 91.6। क्लियर बात समझ में आई, तो इसका मतलब सोडियम आयन की कंडक्टिविटी और एसिटेट आयन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो कितनी है 91.6, ठीक है ना। ये सोडियम आयन से प्लस है, अगर मैं ये यहां लाता हूं ये बन जाएगा, मुझे निकलेगी ना एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो मैं लिखूंगा ना ये सोडियम आ जाएगा यहाँ, ये बन जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन इज इक्वल टू 916 माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, आई बात समझ में। तो फिर मैं डालूंगा यही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन यहाँ पर डालूंगा, ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद देखूंगा मैं एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव कहाँ से मुझे मिलेगा, इसमें से, फिर मैं डालूंगा एच पॉजिटिव की कंडक्टिविटी, फिर दोनों को ऐड करूंगा, मैं दिखाऊंगा भी कैसे करेंगे ऐड, फिर दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पर एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है ना। जरा यहाँ ध्यान दे दो, अब मैं दिखाता हूँ, ये तो हमें निकली एसिटेट आयन की कंडक्टिविटी, अब हम दिखाता हूँ मैं एच पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। जरा मेरे पास है HCl, है ना HCl, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी दी गई है 425, ठीक है ना। ये 425 कंडक्टिविटी किसकी वजह से, इसके आयन की वजह से होगी ना, तो हम ऐसे लिखेंगे ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वो होगी ना बराबर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन होगी ना, और वो कितनी हमें दी गई है 425, समझ में आया अंतर।
तो जब हम H पॉजिटिव, इसका मतलब H पॉजिटिव की इक्वल कंडक्टिविटी और क्लोरीन यहाँ आयन की कंडक्टिविटी कितनी है 425। तो यहाँ पर हमें H पॉजिटिव की मिलेगी ना, ये यहाँ से प्लस है, जब यहाँ ला तो ये बन जाएगा ना 425 को माइनस, तो मैं लिखूंगा ना इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, H पॉजिटिव की एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, वो होगी ना बराबर 425 माइनस और किसकी, क्लोरीन की करेंगे माइनस, इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ, इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। निकली मेरे पास H पॉजिटिव की भी इक्वल कंडक्टिविटी, निकली मेरे पास एसिड एसिड की भी कंडक्टिविटी, अब मुझे ये दोनों यहां पर ऐड करने, तो मेरे पास निकलेगी एसिड एसिड की कंडक्टिविटी। जरा ये ऐड कैसे करते हैं इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, वो होगी बराबर इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ एच पॉजिटिव कितना है 425 माइनस इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफिनाइट डाइल्यूशन किसकी, क्लोरीन नेगेटिव आयन की, क्लोरीन नेगेटिव आयन की, इसके बाद प्लस अपना है ना फॉर्मूला का प्लस, अब इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, वो तो मैंने यहां पर निकाल एस्टेट आयन, सॉरी एसिटिक एसिड की नहीं एस्टेट आयन की, तो वो कितनी है 91.6 माइनस इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन, हो गया ना यहां तक आया समझ में। तो इसके बाद जरा यहां ध्यान दे दो, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, अब देखो ये प्लस वाले है ना, ये 425 प्लस है ना, ये 91.6 ये भी प्लस है, प्लस वाले पहले लिखते हैं माइनस वाले बाद में लिखते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है ना, तो मैं लिखूंगा यहां पर 425 प्लस इसके बाद क्या है 91.6, ठीक है ना, और यहां पर माइनस है इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, Na पॉजिटिव की, Na पॉजिटिव एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइनस इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, क्लोरीन नेगेटिव की एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, है ना, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है और सोडियम आयन की और क्लोरीन आयन की इक्वल कंडक्टिविटी को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी बताया NaCl बता NaCl की इक्वल कंडक्टिविटी मुझे दी गई है, कितनी दी गई है जरा चेक करो, अभी मैंने दिखाया 128.1 दी हुई है ना, जरा मुझे बताओ इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कितनी दी गई है 128.1 दी है, ये किसकी वजह से, ये होगी ना इक्वल कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, वो किसकी वजह से होगी, वो होगी ना इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ किसके Na पॉजिटिव की वजह से एट इनफिनाइट डाइल्यूशन प्लस इक्वल कंडक्टिविटी क्लोरीन नेगेटिव आयन की वजह से एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, होगी ना, यानी कि इसकी जो इक्वल कंडक्टिविटी प्लस इसकी इक्वल कंडक्टिविटी होगी वो कितनी है 128.1, यही हमें सबट्रैक्ट यहां पर करना है ना, इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी, सोडियम की कंडक्टिविटी और क्लोरीन कंडक्टिविटी वो कितनी है 128, यही मुझे इसमें सबट्रैक्ट करना है ना सोडियम की कंडक्टिविटी और क्लोरीन की कंडक्टिविटी, आई बात समझ में, तो मुझे क्या बन गया, ये बन गया 425 प्लस 91.6 माइनस NaCl की कितनी है, NaCl की कंडक्टिविटी कितनी दी गई है 128.1, आया समझ में, अच्छे से आया समझ में, तो इन दोनों को करेंगे ऐड, यहां पर दिखाते हैं, इन दोनों को करेंगे ऐड 425 प्लस 91.6 वो कितना हुआ 651 हुआ 611 वन आया 4 आ गया 5, ये बन गया यहां पर मेरा कितना बन गया 516.6 माइनस करेंगे इसको 128.1, आइए बात समझ में, तो इसको क्या करेंगे 516.6 इसको करेंगे माइनस 128.1, तो वहां पर कितना है 6 से उतारेंगे 1 वहां पर 5 6 यहां पर आ जाएगा 16 से 8 वहां पर कट जाएंगे 8, तो यहां पर आ गया 0, ये इसको देगा 10 से बन आएंगे 2 नीचे इसको सबट्रैक्ट करेंगे वहां पर बन जाएंगे 8, यहां पर आप 4 से लेंगे 1 तो वहां पर जाएगा 3,
तो कितना निकला 388.5, इसका वैल्यू आया 388.5। तो ये हमें क्या निकली, इक्वल कंडक्टेंस ऑफ किसकी, एसिटिक एसिड। आई बात समझ में? तो इस तरह हमने इक्वल कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन हमने निकाली कितनी 388.5। क्या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल माइनस वन, ये हमारे पास इसका आंसर आया। आई बात समझ में, अच्छे से आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है ना? इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। चल अब हम इस पे दूसरा पार्ट, दूसरी, ये दूसरी टाइप की न्यूमेरिकल का है इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, हमें क्या निकाल दिए, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड दी गई है मुझे इन तीनों की, ठीक है ना। हमें पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो होगी ना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन होगी ना। अगर मुझे अमोनियम आयन की पता होगी, मुझे हाइड्रोक्साइड आयन की पता होगी, मैं दोनों को ऐड करूंगा, मुझे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पता चलेगी। मतलब क्वेश्चन में मुझे मत दिया गया है अमोनियम की अलग हाइड्रोक्साइड की अलग, मुझे दिए हैं यहाँ पर सॉल्ट दिए, मुझे सॉल्ट दिया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे इन्हीं सॉल्ट से निकाल दिए किसकी, अमोनियम की और हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम क्या आपको करना है, आपको देखना है अमोनियम किस सॉल्ट में बनता है। आप देखो अमोनियम हमें दिया गया है वहां पर गिवन बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसमें तो अमोनियम है नहीं। आपको दिया गया बेरियम क्लोराइड, इसमें तो अमोनियम है नहीं। आपको दिया तीसरा सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, तो इसका मतलब इसमें अमोनियम है, यानी कि अमोनियम की निकलेगी इसी सॉल्ट से, ठीक है ना। हमें पता है जब अमोनियम क्लोराइड टूटता है किसमें टूटता है, अमोनियम आयन में प्लस क्लोराइड आयन में, क्लियर बात यहां तक। अब देखो जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड की होगी वो होगी ना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन इनफिनाइट डाइल्यूशन होगी ना। वो हमें दी गई कितनी 129.8, ठीक है ना। यानी कि इस आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इस आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन कितनी है 129.8। तो यहाँ पर अमोनियम की निकलेगी ना खुद को ये प्लस है, इसको मैं यहाँ लाता हूँ ये बन जाएगा माइनस में। तो अमोनियम आयन की मोलर कंडक्टिविटी निकली ना मुझे 129.8 और माइनस में किया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन आयन। आई बात समझ में? फिर मैं इसी को सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर अमोनियम की जगह, क्लियर बात। अब दूसरा कौन है, OH, दूसरा कौन सा है, OH। अब मुझे देखना है OH मुझे किस सॉल्ट से मिलेगा, एक तो मुझे दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, तो दिया था अमोनियम क्लोराइड, इसे तो मेरा अमोनियम निकल गया, ये तो हो गया। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो हाइड्रोक्साइड OH की मुझे वहीं पर निकलेगी। हमें पता है बेरियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा कैसे टूटेगा, बेरियम 2+2OH-, तो जो इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड की होगी वो होगी ना, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड वो होगी ना ड्यू टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस दो हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होगी ना, ट्वाइस बनाना। वही मैंने लिखा मोलर कंडक्टिविटी, ये है यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो होगी बराबर बेरियम आयन की कंडक्टिविटी प्लस दो हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। तो जो इसकी कंडक्टिविटी प्लस इन दो की कंडक्टिविटी वो होगी किसके बराबर, 523.28 के बराबर, ठीक है ना। तो अगर मैं बेरियम यहां से प्लस है, ये कंडक्टिविटी यहां से प्लस है, मैं यहां लेता ये बन जाएगी ना माइनस, मुझे मिलेगी ना ट्वाइस हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी कितनी निकलेगी 523.28 माइनस मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डायरेक्शन ऑफ बेरियम 2+2OH, ठीक है ना। मगर मुझे यहां पर चाहिए एक OH की कंडक्टिविटी, यहां पर ये कितनी निकली मुझे, दो OH की है ना, ट्वाइस OH की है ना मुझे एक ही, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में मैं इसको लाता हूं यहां, ये बन जाएगा डिवाइड में। तो जब मैंने 2 लाया जो मल्टीप्लाई यहां से ये बन जाएगा इसको टोटल डिवाइड में। आया समझ में? अब तो मुझे OH की भी निकल गई, अब तो मुझे यहां पर इसकी NH4 की भी निकल गई। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा, क्या करूंगा दोनों को ऐड, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH
वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ अमोनियम आयन, वो मुझे निकाल यहां पर कितनी 129.8 माइनस इक्वलर कंडक्टिविटी ऑफ किसकी, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद प्लस यहां पर है ना अपना प्लस, अब हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो तो मैंने यहां पर निकाली ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं, वो निकली मेरी 523.28 माइनस इक्वल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये आया समझ में, अब देखो इसको डिवाइड बाय 2 है, ठीक है ना। ये ऐसी फॉर्मूला है 1 + 1/2, इसको कैसे सॉल्व करते, 2 को करते इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, फिर 1 को करते इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 × 1 बन गया 2, वही बन गया ना। अब यहां पर करेंगे सॉल्व, यानी कि ये 2 करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है ना, इसको यहां पर जिसका कुछ डिवाइड उसका 1 होता है, आई बात समझ में। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया 2 × 129.8 माइनस, अब ये भी बन गया ना 2 यहां पर माइनस 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन, आया समझ में। अब दिस इंटू 1 तो वो यही बन गया ना प्लस अपना, और यहां पर क्या है प्लस, ये क्या बन गया यहां पर 523.28 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयन, ठीक है ना, और 2 × 1 कितना हुआ डिवाइडेड बाय 2, आया समझ में, अच्छे से आया समझ में। अब देखो ये भी प्लस है, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनता है, इसको यहां करेंगे 2 × 8 = 16, तो 2 × 9 = 18, और एक आया कैरी बन गया 19, 2 × 4 एक आया कैरी हो गया 5, 2 × 1 = 2, आया समझ में। माइनस और ये 2 है यहां पर 2 इक्वल कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन, ठीक है ना। इसके बाद अपना है इसको प्लस, इसके बाद यहां पर प्लस है अपना 523.28 माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम प्लस 2, ठीक है, आया समझ में। अब देखो ये प्लस वाले अलग में करता हूं, माइनस वाले अलग, ये प्लस फैक्टर है, ये भी प्लस फैक्टर है, इनको अलग करता हूं, ये माइनस फैक्टर है, ये माइनस फैक्टर को मैं अलग करता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया 2 × 9.6 हाँ, और इसका हाँ डिवाइड बाई 2 है, वो तो मैं भूल गया, ठीक है ना। और यहां पर क्या है प्लस 523.28, ठीक है ना। अब ये माइनस वाले में अलग करता हूं, एक तो माइनस है इसका माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम प्लस 2, ठीक है ना, और ये भी माइनस यहां लिखता हूं माइनस 2 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन, ठीक है ना, और नीचे क्या है डिवाइड बाय 2, आया समझ में। अब मुझे क्या है इन दोनों को प्लस करना है और सबट्रैक्ट करना है बेरियम की मोलर कंडक्टिविटी और 2 क्लोरीन की मोलर कंडक्टिविटी, हमें तो वो क्वेश्चन में दी गई थी, अभी दी गई थी मैंने, जरा मुझे पता बेरियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी गई थी हमें क्वेश्चन में, गिवन था कितना गिवन था बेरियम क्लोराइड BaCl2 इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 280 है ना, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी किसकी वजह से, मोलर कंडक्टिविटी और बेरियम BaCl2 वो किसकी वजह से होगी, वो होगी ना मोलर कंडक्टिविटी और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम प्लस 2 आयन की वजह से, प्लस मोलर कंडक्टिविटी 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन नेगेटिव आयन की वजह से इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी ना, और वो कितनी दी गई हमें 280 दी गई ना, क्योंकि बेरियम क्लोराइड कैसे टूटेगा,
बेरियम 2 और एट टूटेगा ना BaCl2, ये जो जब टूटेगा ये टूटेगा ना Ba प्लस 2 प्लस 2i Cl नेगेटिव में, अब इसकी जो कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी वही होगी BaCl2 की कंडक्टिविटी होगी ना। अब दे दो यहां ध्यान दे दो, एक Ba की जो कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी और दो क्लोरीन कंडक्टिविटी वो 280 है, मुझे ये सबट्रैक्ट यहां पर करना, एक बेरियम 2 पॉजिटिव और दो क्लोरीन की कंडक्टिविटी मुझे सबट्रैक्ट करनी है ना, तो यहां पर इसके बदले में कौन सा वैल्यू लिखूंगा, वो वाला 280। आया समझ में? तो क्या बन गई मेरे पास फाइनल फॉर्म, क्या बन गई इसकी, तो ये मेरे पास बन गया 2 5 9.6 9.6 plus 5 2 3 5 2 3 0.28 0.28 और माइनस सबट्रैक्ट किसकी करूंगा आप 280 माइनस 280, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इस सारी की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी 280 होगी ना, तो यहां पर कहेंगे वही माइनस 280 और नीचे है अपना डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? हो गया सॉल्व, हो गया ना। अब इन दोनों को प्लस करो, इसको सबट्रैक्ट करो, जरा करो कितना बनता है 523, जरा करो 523 5 2 3 5 2 8 plus 2 5 9 2 5 9.6, ये आ गया 8, ये का 6 7 8 point, अपनी जगह 0.93 कितना हुआ 12 हुआ, एक आया कैरी 5 2 7, एक आया पर 8 और 5 2 कितना हुआ 7, तो इन दोनों को किया प्लस। अब ये इसको करना है ना सबट्रैक्ट, ये इधर ही करेंगे 280 यहां पर करेंगे सबट्रैक्ट, कितना बनता है 8 आया अपना, ये 8 आया अपना पॉइंट 2 के उतारेंगे 0 2 ही आया, 8 से 8 आ गया 0 आ गया, 7 से लाएंगे 2 आ गया 5, कितना बन गया 502.88, तो ऊपर वाली टर्म आ गई 502.88 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में? अच्छे से आया समझ में? अब जरा इसको करो 2 1 2 2 2 4, वहां से निकला 8, 2 5 10, 2 1 2, अब 2 4 8, 2 4 8 कितना निकला 251.44। आई बात समझ में? तो इसका मतलब जो इसकी कंडक्टिविटी होगी, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, वो कितनी होगी जो हमें निकला 251.44। आई बात समझ में? तो ये था इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छे से आया समझ में?